हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वी टेक। गाइस, अगर आप एक टीचर हैं या फिर आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को और आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर को, एक ऐसे टूल को जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड और पेन का यूज करके आप डायरेक्ट पढ़ा पाएं, तो ऐसा कौन सा टूल है जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट बोर्ड टूल हम यूज करने वाले हैं जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बेहतर टूल साबित हो सकता है। कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा टूल है, कैसे आप डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या टूल है, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के रीसेंट वर्जन में आपको डायरेक्ट यहाँ पे पेन का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हैं विंडोज इंक वर्क स्पेस जिसे बोलते हैं, जो आपके यहाँ पे टास्क बार पे यहाँ पे डायरेक्ट नजर आएगा, जैसे कि मेरे यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो दो चीजें आपको नजर आएगी, व्हाइट बोर्ड और फुल स्क्रीन स्निप। फुल स्क्रीन स्निप तो आपके पूरे स्क्रीन का स्नैपशॉट लेने के लिए, और व्हाइट बोर्ड टूल का हम यहाँ पे यूज लेते हैं व्हाइट बोर्ड पर अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है या फिर आपको कुछ लिखना है। तो अगर आपको ये पेन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है तो अपने टास्क बार पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है शो विंडोज इंक वर्क स्पेस बटन। ठीक है, जब आप इसको अनचेक कर देते हैं तो यहाँ से गायब हो जाता है, जब आप इसको वापस से चेक करते हैं तो वापस से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये बटन विंडोज 10 के रीसेंट वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके पास थोड़ा पुराना वर्जन है और जो इस टूल को सपोर्ट करता है तो आप डायरेक्ट इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करते हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको यूज बता देता हूँ इसको किस तरीके से यूज करते हैं, तब आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए ये जो टूल है वो बेनिफिशियल है भी या नहीं है। चलिए डायरेक्ट, सबसे पहले तो खास बात यह है कि डायरेक्ट हम यहाँ से इस टूल को ओपन कर सकते हैं, जो लास्ट आपका डेटा था वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको मैथ मोड चैनल पे कुछ मैथ के वीडियोस भी आपको बताता हूँ, कुछ ट्रिकी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप ट्रिकी तरीके से मैथ सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी प्रोसेस में मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया हुआ है और कुछ लिख रखा है जिसको मैंने यहाँ पे समझाया। ठीक है, तो अब आप इस टूल के फीचर को देखिए, आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा कैनवास मिलता है जिस पर आप लिख सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पेज सिस्टम नहीं है, जस्ट आप इस कैनवास को इस तरीके से मूव करते जाइए और इस तरीके से आप इस पर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आप नीचे देखिए, आपको काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे मिलते हैं। सबसे पहला जो टूल है वो पेन का टूल है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। उसके बाद है यहाँ पे ऐड टेक्स्ट, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा जिसको आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको कोई सवाल लिखना हो, कोई क्वेश्चन लिखना हो, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बाद में उसको पेन की हेल्प से आप उसको एलैबोरेट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे नोट्स का भी ऑप्शन आता है, अगर आपको कुछ नोट्स यहाँ पे असाइन करने हैं तो आप यहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नोट्स यहाँ पे आ जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको पिक्चर या फिर इमेज इंसर्ट करनी, जैसे मैंने इस सवाल की इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर रखी है, आप भी यहाँ पे इस सवाल की इमेज यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं वो इमेज यहाँ पे इसकी मदद से इंसर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लाइब्रेरी इमेज आपके कंप्यूटर से लेगा, बिंज इमेज जो आपके ऑनलाइन लेगा, कैमरा से भी, यानी कि अगर आप लैपटॉप से कैमरा से कोई फोटो इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। इंसर्ट मेन्यू में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, टेम्पलेट्स आ जाते हैं, वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, पावर पॉइंट इंसर्ट करना चाहते हैं, पीडीएफ इंसर्ट करना चाहते हैं, टेम्पलेट्स, अलग अलग टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनको आप इंसर्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अंडू और रीडू के बटन हैं, अगर आपको लास्ट स्टेप पीछे जाना है तो आप इस तरीके से अंडू कर सकते हैं और वापस से रीडू कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गए ये टूल। अगर हम इंकिंग टूल बार की बात करें तो इंकिंग मोड में चलते हैं हम, यहाँ पे आपके पास अलग अलग तरीके के पेन आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे तो वापस से पुराने मोड में आ जाएंगे। अब मैं आपको पेन का यूज़ करके बताता हूँ। आप इंकिंग मोड में जाएंगे, इस पेन पे क्लिक करके यहाँ पर आपके पास अलग अलग कलर के पेन आ जाते हैं। सबसे खास बात है कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाते हैं जिससे कि आप पर्टिकुलर टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हैं पढ़ाते समय, जैसे ब्लैक कलर ये हो गया, ठीक है, रेड कलर ये हो गया, ठीक है, ब्लू कलर ये हो गया, ठीक है, ग्रीन कलर ये हो गया, ठीक है, मल्टी कलर ये हो गया, ठीक है, जिसमें मल्टी कलर स्पार्कल टाइप यहाँ पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी एक स्पार्कल कलर है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हाइलाइटर हो गया, अगर आपको कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो आप हाईलाइट कर सकते हैं टेक्स्ट। ठीक है, ये रबर हो गया, जस्ट आपको इस तरीके से डिलीट करना है, आप डिलीट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं कुछ भी। ये स्केल हो गया, अगर आपको स्केल से कोई लाइन खींचनी है तो आप यहाँ पे स्केल से लाइन खींच सकते हैं इस तरीके से, सीधी लाइन,
आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधी लाइन यहाँ पे आ गई है। आपको यहाँ पे लास्ट को सिलेक्ट करना है, कोई चीज सबको सिलेक्ट करनी है और फिर डिलीट करनी है, आप इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, अंडू रीडू सबका ऑप्शन मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स के ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिव पेन, इंक टू शेप, इनका आप यूज ले सकते हैं। फॉर्मेट, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर वगैरह आप सब चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पूरा कैनवास आपको क्लियर करना हो तो जस्ट आप क्लियर कैनवास पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे फीचर हैं इस टूल के। अब बात आती है इस टूल को हमें अपने विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड कैसे करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होना चाहिए। आप microsoft.com की वेबसाइट पर जाएंगे। अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट पर कोई अकाउंट नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट पर सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने कर रखा है इसलिए मैं यहाँ पे आपको करके नहीं बता रहा हूँ। अकाउंट क्रिएट करना आपको आता ही होगा, जीमेल वगैरह का जैसे अकाउंट क्रिएट किया जाता है वैसे ही यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फोन नंबर से क्रिएट करेंगे तो फोन पे ओटीपी आएगा, ईमेल से करेंगे तो ईमेल पे ओटीपी आएगा और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है और व्हाइट बोर्ड यहाँ पे आपके पास आ रहा है तो आप डायरेक्ट क्लिक करके आप इस पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड होगा। अगर आपके पास ये टूल बार नहीं आ रहा है यहाँ पे तो आप स्टोर पे चलेंगे। हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपका ओपन होगा। यहाँ पे आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट की जो आईडी है, जो भी आपने रिसेंटली क्रिएट की है, आप उससे लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पे सर्च आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर थोड़ा सा स्लो हो सकता है क्योंकि ये पहले से ही प्रॉब्लम है विंडोज़ के साथ, जिसको अभी तक विंडोज रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें टूल से मतलब है। एक बार टूल आपका इंस्टॉल हो जाना चाहिए। यहाँ पे सर्च में आप टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, ठीक है, ये आप टाइप करेंगे और ये ऐप यहाँ पे आ जाएगी। इस ऐप को आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये ऐप यहाँ पे आपके सामने आ गई है। आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, और यही ऐप जो मैंने आपको बताया यूज करके, ये वही ऐप है। यहाँ पर आपको जो एक चीज देख लेनी चाहिए वो है सिस्टम रिक्वायरमेंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो चीज आपको देखनी है वो है आपके विंडोज 10 का वर्जन, ठीक है। यहाँ पे इस वर्जन से हायर वर्जन आपके पास यहाँ पे रिकमेंड किया गया है 14393। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कैसे चेक कर सकते हैं, इस पर मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है, 4-5 तरीके बता रखे हैं, आप उन तरीकों से आप ये वर्जन चेक कर सकते हैं। अगर आपका वर्जन विंडोज 10 का जो वर्जन है वो इस वर्जन से हायर है, 14393 से हायर है, तो आप इस टूल को यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। और हालांकि अगर आप काफी टाइम से विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो आपका वर्जन हायर ही होगा। आर्किटेक्चर ये आपके सिस्टम के हिसाब से ऑटोमेटिकली ले लेगा, चाहे 32-bit हो चाहे 64-bit हो। ये है प्रोसेस पूरा इसको यूज करने का। जस्ट आपको यहाँ पे गेट पे क्लिक करना है। गेट पे क्लिक करने के बाद ये जो टूल है आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लगेगा, डाउनलोड होके इंस्टॉल भी हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद अगर आपके पास विंडोज इंक वर्क स्पेस आ रहा है तो आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करके डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज आप सर्च में जाएंगे और व्हाइट बोर्ड जैसे आप टाइप करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड की एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगी, जिसका आप यूज ले सकते हैं। तो गाइज ये है एक छोटा सा प्रोसेस जिसकी मदद से आप व्हाइट बोर्ड ड्राइंग कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। काफी काम का टूल है क्योंकि काफी स्मूथ भी है। मैं अगर अपने पर्सनल यूज की बात करूं तो मैं पावर पॉइंट की हेल्प से भी कई बार पढ़ाता हूं और जब मैंने इस टूल को यूज किया तो मेरे को उससे ज्यादा बेटर ये लगा। तो आप इसका यूज भी ले सकते हैं अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं। तो गाइस यूज करके देखिएगा, आई होप कि आपको बेहतर लगेगा टूल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।